کرنے جا رہا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين

आज हमें और आपको ये मौका मिला है कि हम आज इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम और आप आज एक दीनी मजलिस का हिस्सा बने हुए हैं और मैं सूबाई जमयत आंध्रा प्रदेश के तमाम इसके तमाम ज़िम्मेदारों और बिलखसूस उसके जो नाजम आला हैं मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ख़ासतौर से आज के इस खिताब के लिए मुझे मदू किया बड़ा ही अहम उनवान है सैदना इब्राहीम असलातलम का सब्र सबात मज्जत नाजरीन लिज़ा का मुबारक महीना शुरू हो चुका है आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों में झील का चाँद नज़र आ चुका है और हम इस अशरे में इस महीने में हम दाखिल हो चुके हैं हम और आप जानते हैं कि इस अशरे को सैदना इब्राहीमतम के साथ इस महीने को बड़ा ताल्लुक है इस महीने का इस महीने में दो अजीम इबादतें हम जो करते हैं इन दो इबादतों का बड़ा गहरा ताल्लुक है हजरत इब्राहीम असलातम के साथ एक हज की एक अज़ीम इबादत है और एक क़ुरबानी की अजीम इबादत है इन दोनों इन दोनों इबादतों का बड़ा गहरा ताल्लुक है हजरत इब्राहीम सलातम के साथ हज़रत इब्राहीमाम अल्लाह तबारक व ताली के जल्र पैगम्बर हैं अज़म रसूलों में से आप हैं अल्लाह ताला ने कुर करीब में मुख्तलिफ आयात में आपकी अज़मत और आपके मकाम को बयान किया है कहीं अल्लाह तख़ज़ल इब्राहिम खलीला कह करके हज़रत इब्राहीम आलाम के खलील होने का एलान फरमाया कहीं अल्लाह ताला ने वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इब्राहिमा न सिद्दीकन नबिया कह करके हजरत इब्राहिम के सिद्दीक होने का ऐलान फरमाया कहीं फरमाया कि इब्राहिम अल हलीम मुनीब बेशक इब्राहिम बड़े बुरदबार हैं बड़े रातों को आहोबका करने वाले हैं और अल्लाह की बारगाह में रुजू करने वाले हैं कहीं फरमाया कि वलकद न इब्राहिम मिन व कुन्ना बिही आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिदायत से बहुत पहले नवाजा था कहीं फरमाया कि इन इब्राहिम अकेले एक उम्मत थे फरमा बरदार थे में से नहीं थे शाकिर मुस्तकीम अल्लाह की नियमतों के शिक्र गुजार थे अल्लाह ने उनको चुन लिया और उनको सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई फरमायीज नाजरीन इब्राहिम आलातम तो की पूरी जिंदगी और पूरी सीरत हम सब के लिए इबरत है नमूना है नसीहत है इब्राहिम इब्राहीम सलातम की, की, का सब्र और उनकी साबित कदमी हम इस पॉइंट पर और इस नुकते पर आज हम आपके सामने बात करेंगे कि इब्राहिम असलातम की सीरत में सब्र कितना हमको मिलता है दीन के ऊपर सबात दीन के ऊपर साबित कदमी उनकी सीरत में हमें किस हद तक मिलती है हम इन दो नुक नुक़ात पर इनशाला आज हम गौर करने की कोशिश करेंगे मोज्ज नाजरीन इसके पहले कि हम अपने मौजू को आगे बढ़ाएं सबसे पहले सब्र को समझने की कोशिश करते हैं सब्र हमारे दिन में एक बड़ी अजीम चीज़ है और सच पूछा जाए तो एक मोमिन की जिंदगी दो ही चीज़ों से इबारत है एक ईमान वाले की जिंदगी दो ही चीज़ों से इबारत है एक मोमिन की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं वो मुश्किल हालात में सब्र से काम लेता है और वह नियमतों और खुशहाली में शुक्र से काम लेता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है अजबन ले मोमिन इन अम्रमिन खैर मोमिन का मामला बड़ा अजीब है मोमिन हर हाल में खैर और भलाई पर रहता है वली सजाल कामिन और ये चीज़ सिर्फ मोमिन को हासिल है इन असाबत व्रा उशर फ़कान खैर अगर मोमिन को कोई नमत मिलती है कोई खुशी मिलती है कोई खुशहाली उसको अता होती है तो वो रबीन का शुक्र अदा करता है कोई इनत हो ज़र्रा वब्र फ़क़ा न खैरलू और जब मुसीबतें आती हैं बीमारियां आती हैं तकलीफें आती हैं तो एक मोमिन सब्र से काम लेता है और वो मुसीबत भी उसके हक में खैर और भलाई का सबब बन जाती है मुअज्जज़ नाजरीन अगर हम शरीयत के नसूस पर गौर करें किताब सुन्नत पर गौर करें तो हमें सब्र की तीन किस्में मिलती हैं एक होता है हैकदार्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर पर सब्र करना ज़ाहिर है कि हमारी तकदीर में खुशियाँ भी हैं हमारी तकदीर में गम भी है हमारी तकदीर में, में तो परेशानी भी है आसानी भी है तो हमारी तकदीर में जो भी हालात आए हम उन पर सब्र से काम लें हम जजा अच्छा फजा ना करें हम शिकवे शिकायत ना करें हम अल्लाह के अल्लाह की तकदीर पर राजी रहें ये सब्र की पहली किस्म असब्र अला था अकदार्ला सब्र की दूसरी किस्म असबर अलाता अल्लाह तबारक व ताल की एतात के कामों पर जमे रहना डटे रहना इस्तेकामत के साथ रहना नमाज की पाबंदी है तो पाबंदी रहे ऐसा ना हो कि मुश्किल हालात आए परेशानी के हालात आए या इंसान के बिजनेस और कारोबार के चलने का दौर आए तो नमाज से गाफिल हो जाए परेशानी में तो अल्लाह को याद कर रहा था अच्छे दिन आए तो अल्लाह को भूले ऐसा ना हो असब्र्ला की एताद के कामों पर याद भी जमा रहे इस्तकामत रहे उसके अंदर और सब्र की तीसरी किस्म है मासीत अल्लाह ताला की मासीत के कामों से अपने आप को बचाना अपने नफ्स को काबू करना अपने नफ्स को कंट्रोल करना जैसे हजरत अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र की बीवी के गुनाह की दावत के बावजूद अपने आप को उस गुनाह से बचाया ये सब्र था जैसे मरसद अभी, मरसद इब्ने गनवी रजी अल्लाह तआला ने अनाक नाम की एक फाहिशा औरत के गुनाह की दावत के बावजूद अपने आप को गुनाह से बचाया ये सब्र था गुनाह का मौका मिल रहा है गुनाह के महरिकात हैं गुनाह के अवामिल हैं गुनाह के ऊपर उभारने वाला माहौल है उसके बावजूद एक इंसान अपने आप को गुनाह से बचाए यही सब्र है मज नाजरीन सैदना इब्राहिम सलातम की जिंदगी में सब्र के ये तीनों जो पॉइंट्स हैं सब्र की ये तीनों किस्में हमें सैदना इब्राहिम सलातम की जिंदगी में मिलती हैं इब्राहिम इब्राहीम एक ऐसे घराने में पैदा हुए एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ शिरको बुत परस्ती आम थी खुद उनके वालिद उनके बाप बुत परस्ती नहीं थे बल्कि बुतों के पुरोहित थे बुत घर थे एक ऐसे घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अल्लाह ने उनको अपना नबी बनाया उन्हें तौहीद का आलम बरदार बनाया उन्हें तौहीद की दावत देने वाला बनाया और हजरत इब्राहिम असलातलाम ने तौहीद की इस दावत का आगाज अपने घर से किया बड़ा एक अजीब व गरीब मोड़ है बाप मुशरिक है बेटा माहिद है और बाप को दावत देनी है बाप को तोहद की तरफ बुलाना है अब बेटा कौन सा उसलूब अपनाए जाहिर है कि बाप के अदब को भी मलहूज रखना है बाप की रियायत भी करनी है और अपनी तोहिद का पैगाम भी देना है शर्क की गलाजत और गंदगी को बयान भी करना है कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सुर मरियम में बाप और बेटे की गुफ्तु को बयान किया है हर दाई के लिए बड़ी नसीहत है हजरत इब्राहिम की इस गुफ्तु में कि कैसे सब्र से काम ले रहे हैं कैसे नरमी से काम ले रहे हैं अपने बाप से गुफ्तु करते हुए कहते हैं वजकुर फिल किताब इब्राहिम नबिया अल्लाह कहता है कि याद करो मेरी किताब में इब्राहिम को बेशक वो एक सिद्दीक थे और अल्लाह के नबी थे लिए या वला वला जब कहा उन्होंने अपने बाप से कि अब्बा जान आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो सुन नहीं सकती जो देख नहीं सकती जो आपको नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकती या अबती, इन्नी अबा जान मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया आप मेरी पैरवी करें आप मेरे पीछे चले मैं आपको सीधे रास्ते पर लेके चल या अबान शैतान अब्बा जान आप शैतान की इबादत न करें शैतान रहमान का नाफरमान है या अब इन अखाफ का शैतान वलिया अब्बा जान मुझे डर है कि अगर आपने रहमान की नाफरमानी की अगर आप शर्क के ऊपर कायम रहे तो अल्लाह ताला का आजाब आपको लाहिफ होगा अल्लाह के अजाब में आप गिरफ्तार हो जाए हजरत इब्राहिम अलसलाम बाप को तोहहीद की दावत दे रहे हैं शिरक के नुकसानात बता रहे हैं, रहमान की की तरफ बुला रहे हैं और जान या अबती या अबती चार बार या अबती का लफ्ज इस्तेमाल किया इब्राहिम ने अपने बाप की इस मुख्तसर सी गुफ्तु में लेकिन बाप का अंदाज बयान क्या था बाप का रिएक्शन क्या था बाप का जवाब क्या था कुरान करीम बयान करता है और जुमन का इब्राहिम क्या तू मेरे महबूदों से मुंह फेर चुका है मेरे महबूदों से बरगशता है मेरे मबूदों में तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे महबूदों से तू दूर हो रहा है मैं तुझे पत्थरों से मार मार के हलाक कर दूंगा अगर तू बाज नहीं आया दूर हो जा मेरी नज़रों से हट जा यहाँ से बाप की इस ही तलख बात और ही तलख जवाब में सैदना इब्राहिम बड़े सब्र से काम लेते हैं और अपने बाप से कहते हैं सलामुना सलाम अलैब अब्बा जान आपके ऊपर सलाम है अस्तगफरु लका रब्बी انه मैं आपके लिए अपने रब से مغفرت तलब करूंगा मेरा रब मेरे साथ बड़ा मेहरबान है और उसके बाद कहते हैं व अतास लुकुमा मैं तुमको और तुम्हारे जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो मैं सबको छोड़ दूंगा व असअ अल्ला अकूना बि दुआए रब्बी और मैं अपने रफ से दुआ करूंगा और मैं अपने रफ से दुआ करके ना उम्मीद नहीं बनूंगा बदनसीब नहीं बनूंगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो को बाप का घर छोड़ना पड़ा सब्र की शुरुआत हो रही है सीरत इब्राहिम के अंदर बाप ने बेटे की इस नरमी और मोहब्बत भरी तोहिद की दावत में बाप ने बेटे को निकाल दिया और बेटा सलाम करते हुए और ये वादा करके कि अब्बा जान आपके लिए मफरत की दुआ करूंगा इब्राहिम सलाम ने अपने बाप का घर छोड़ दिया नाजरीन एक ऐसे माहौल में जहां आपका कोई सपोर्टर ना हो कोई आपकी बात सुनने वाला ना हो इंसान का घर उसके लिए बहुत बड़ी नेमत होता है घर छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता है जब आपके सामने कोई रास्ता ना हो इब्राहिम सलाम का सब्र देखें दीन के ऊपर उनकी साबित कदमी देखें बाप को छोड़ दिया घर से निकल गए अब कौम के दरमियान तोहिद की दावत दे रहे हैं कौम को तोहीद की दावत दे रहे हैं कई कुर क़रीम में कई मकाम पर अल्लाह ताला ने उनके और कौम के दरमियान जो गुफ्तु हुई थी अल्लाह ताला ने उनको उसको बयान किया है कौम का जवाब भी बड़ा अजीब व गरीब था हज़रत इब्राहिम कहते हैं किसकी तुम लोग इबादत करते हो तो जवाब देते हैं कि हम इन बुतों की इबादत करते हैं इनके हमारे बाप दादा इनको पूछते चले आए इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं हज़रत इब्राहिम उनको समझाते हैं कि भाई तुम्हारा रब वो है तुम्हारा रब व है जिसने आसमानो जमीन को पैदा किया है फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम ये भी कहते हैं अल्लाह की कसम में तुम्हारे बुतों की बड़ी बुरी खबर लूंगा तुम्हारे बुतों का अंजाम अच्छा नहीं होगा मालूम है कि कौम के लोग बुतों की इबादत करते हैं उनकी आस्था और उनके अकी अकीदे के साथ ये चीज जुड़ी हुई है और मैं उन्ही के बुतों को धमकी दे रहा हूँ इसके जवाब में मेरे ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है मेरी जान के दर पर हो सकते हैं लोग है है तो है कहते नहीं थे सिर्फ उसके दाई भी थे उसके उसकी तरफ दावत दे रहे थे उन्हें पता था कि दावत ला ला का ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है कांटों का रास्ता है ये मुश्किल तो सहनी पड़ेंगी तोद का मिशन अगर फैलाना है तो ये अगर हम मान के चलेंगे कि लोग हमें गले लगाएंगे और हमारा इस्तेबाल करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इब्राहिम अस्तलाम मुश्किल और परेशानियों और अंजाम को जानने के बावजूद कौम से कहते हैं मैं तुम्हारे बुतों की खबर और फिर एक दिन वो मौका आता है कौम के लोग अपने मेले और त्यौहार में मगन हैं इब्राहिम खलीलुल्लह अपने कौम के इबादत खाने में दाखिल होते हैं और उनके सारे बुतों को तोड़ डालते हैं रेजा रेजा कर नौजवान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नौजवान जो आज सोशल मीडिया और इंटरनेट की रंगीन दुनिया में मगन है अलैहिस्सलाम की जिंदगी से उन्हें इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए कि जवानी सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं होती जवानी का एक मकसद होता है एक मिशन होता है जवानी अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है हम जवानी में जो कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते जवानी में जो एनर्जी है जो पावर है जो ताकत है जो स्टेमिना है वो ज़ाहिर है कि बुढ़ापे में नहीं करेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सारे बुतों को तोड़ देते हैं सिवाय बड़े वाले बुत के कौम के लोग जब अपने मेले से फारिग होकर के आते हैं और अपने बुतों का ये हाल देखते हैं तो कहते हैं कलू मन हतीना हमारे माबूदों के साथ ये हरकत किसने की बहुत बड़ा जालिम है वो हज़रत इब्राहिम वहाँ नहीं थे कुछ लोगों में से कुछ लोगों ने कहा का, लो इब्राहिम कहते हैं एक नौजवान है जो इन बुतों की बड़ी बुराई करता है इन बुतों की के बारे में बड़ी लान, लानत मलामत करता है इन बुतों का दुश्मन है वो इब्राहिम नाम है उस नौजवान का उसको बुलाओ बुलाया गया हजरत इब्राहिम मजलिस लगी है अवाम की भीड़ है मजमा लगा हुआ है इब्राहिम एक मुजरिम की हैसियत से लाया जाता सवाल किया जाता। या इब्राहिम इब्राहिम हमारे महबूदों के साथ ये सलूक तुमने किया है तुमने तोड़ा है हमारे महबूदों को इब्राहिम कहते हैं ये मेरा काम कहाँ है ये देखो सारे बुट टूटे हैं बड़े वाले हजरत मौजूद है ये बड़े वाले का काम हो सकता है बजाय ऐसा लगता है ये झूठ है लेकिन ये झूठ नहीं है इब्राहिम तो सिद्दीक हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। यहां वो तौरिया से काम ले रहे हैं तोड़ा तो उन्होंने है और वो इस बात का इनकार भी नहीं करें कि मैंने तोड़ा है लेकिन अगर वो ये कह देते कि मैंने तोड़ा है तो तोड़ने का जो असल मकसद है वो हल नहीं होता मकसद तो तौहि को साबित करना है मकसद तो इन माबूदान बातिला के बेकार होने को साबित करना है तो कहते इनके बड़े ने यानी मैंने तोड़ा है दिल में इरादा नीयत ये कि मैंने तोड़ा है इन, इनके बड़े इनसे बड़े यानी मैंने तोड़ा है लेकिन इशारा करते हैं बड़े वाले की तरफ भाई बड़े वाले ने तोड़ा है इनको देख लो तू अब कौम के लोग आपस में बात करते हैं कि भाई ये कैसे तोड़ सकता है कहने लगे लकद आलिहांत का इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते बस यही चीज हजरत इब्राहिम को उनकी जुबान से निकलवाना था बोल नहीं सकते माबूद हैं बिगड़ी बनाते हैं फिल्ला कहने लगे अफसोस है तुम पर लानत है तुम पर तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे महबूदों के ऊपर भी तुम ऐसी इबादत करते हो जो बोल नहीं सकते जो सुन नहीं सकते जो अपना बचाव नहीं कर सकते अब जब कौम को लगा कि ये बात तो भारी पड़ रही है इसकी बात तो साबित हो रही है और हमारी हमारा मुद्दा तो जो है बेकार हो गया हमारी बात तो बेकार हो गई बातिल हो गई ये अपने मुनाजरे और अपनी बहस में हमसे गालिब आ गया तो अहले बातिल का हमेशा से ये रवैया रहा है कि दलाइल के जवाब में जब दलाइल खत्म हो जाए तो फिर ताकत इस्तेमाल की जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने जब कोई जवाब नहीं सोचा तो कहा कि हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइली कहा कि इब्राहिम को जला डालो और इसको जला करके अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम सच्चे हो अगर तुम्हें कुछ करना है या एक नुकतः यह भी है कि माबूदों की मदद करने की बात कही इब्राहिम की कौन ने और हम जिस माबूद को, को अपना रब मानते हैं अल्लाह को अपना रब मानते हैं उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं वो हमारी मदद करता है माबूद वो है जो लोगों की मदद करे माबूद वो नहीं है जिसकी मदद करने के लिए लोगों को किसी को जलाना पड़े कहा कि इब्राहिम को जला डालो और अपने माबूदों का सपोर्ट करो उनकी मदद करो चुनाच सैदना इब्राहिम आलाम के लिए बहुत बड़ी और बड़ी अजीम आग तैयार की गई एक ऐसी आग जिस आग में सिर्फ एक इंसान नहीं पूरा गांव पूरा इलाका जलाया जा सकता है लेकिन जाहिर है कि ये उनके महबूदों के गुस्ताख के लिए ये आग तैयार की गई थी तो बड़े एहतमाम से ये आग तैयार की गई और इब्राहिम को उस आग में डाले जाने की पूरी तैयारी कर ली इब्राहिम को आग में डाला जा रहा मोजस नाजरीन एक ऐसी आग जिस आग में हजरत इब्राहिम जल करके राख हो सकते हैं

डाले जाने के वक्त कहा था और यही जुमला अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लम ने और आपके सहाबा ने कहा था जब लोग जब सहाबा से और अल्लाह के रसूल से कहा गया कि लोगों ने बहुत बड़ा लश्कर तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है तो तुम लोगों से डरो फजा तो ईमाना तो उनका ईमान और बढ़ गया और अल्लाह के रसूल सल्ला और साहबा ने कहा हसबोन इब्राहिम को आग में डाला गया लेकिन दुनिया में कायनात में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि आग ने इब्राहिम को जलाया नहीं क्योंकि अल्लाह ताला ने आज डायरेक्ट आग से कहा या ना रुकूनी बर दूं वन अला इब्राहिम आए आग तो ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम के वो आग जो हमेशा जलाया करती थी जो इंसान की के जिस्म को खाकिस्तर कर देती थी आज उस आग ने इब्राहिम के बदन का एक रोंगटा भी नहीं जलाया ये अल्लाह के दीन पर साबित कदमी का ये समरा होता है मेरे भाई जब एक इंसान अल्लाह के दीन पर डटा रहता है जमा रहता है तो रबालमीन फिर उसको बर्बाद होने नहीं देता है अल्लाह अपने नेक बंदों को अल्लाह अपने उन बंदों को जो दीन पर साबित रहे, उन्हें कभी ज़ाय नहीं होने देता मैं यहाँ पे आपको हजरत खदीजतुल्कुबरा के वो अल्फाज याद दिलाना चाहता हूँ जब प्यारे नबी सल्ह वसम के ऊपर कुरान करीम की पहली वही नाजिल हुई थी और बहुत घबराए हुए अल्लाह के रसुल अपने घर आए थे और हजरत खदीजा से कहा था कि मुझे कोई चादर उड़ाओ कम्बल उड़ाओ और उस मौके पर बड़ी घबराहट पर प्यारे नबी ने कहा था कि लकत आला नफसी मुझे अपनी जान का डर है मुझे डर है मैं न हो मैं कहीं ना हो जाऊं खत्म ना हो जाऊं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगा तो हजरत खदीजा ने उस मौके पर कहा था कल्ला वही मा यू अल्लाहु अबदा अल्लाह की कसम अल्लाह कभी आपको जलील नहीं करेगा आप तो रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हैं यतीमों के मावा हैं, गुलामों के मलजा हैं बेसारों के सहारा हैं एक एक ला हुआ बदा लाजी ला हुआ अल्लाह आपको जलील नहीं करेगा करेगा इब्राहिम नहीं, जाये नहीं हुए। आग में गए आग गुलिस बन गए उनके आज भी हो जो बराहिम सईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज गुलिसना पैदा इब्राहिम कि सीरत में सब्र और साब, साबित की सिर्फ ये कोई इकलौती मिसाल नहीं ये तो एक, एक मिसाल मैंने बयान की जैसी कई मिसालें और आगे बढ़िए दरबार नमरूद में इब्राहिम को बुलाया गया तो उस वक्त का बादशाह है बहुत बड़ा जालिम है और अपने रब होने का इकरार करवाता है लोगों से इब्राहिम से बहस करने लगे लगा वो बादशाह हा हाज, हाज इब्राहिम क्या आपने उसको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से बहस की थी अल्लाह के बारे इसलहू जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा रबी यूही वो उम्मीद मेरा रब वो है जो जिंदा करता है जो मौत देता है नमरूद ने कहा इसमें कौन सी कमाल की बात है मैं भी मौत देता हूँ मैं भी जिंदगी देता हूँ हालांकि जाहिर है कि किसी को अगर हम माफ कर दें और किसी को सजाए मौत दे दें तो ये जिंदगी देना ये मौत देना नहीं है ये कॉमन सेंस की बात है मगर नमरूद ने जहालत का सबूत पेश करते हुए इसको जिंदगी देना और मौत देने से ताबिर ने इल्म मुनाजरा का एक उसूल इस्तेमाल किया पे कि जब फरी के मुखालिफ हमारी दलील पर जहालत पर उतर आए तो उससे मजबूत दलील पेश कर इब्राहिम ने कहा फहीशरक अल्लाह वह है जो सूरज को मशरक से तोलु करता है और मगरब में गुरूब करता है डुबोता है तुम एक काम करो इसका उलट करके दिखा दो तुम एक दिन सूरज मग़रब से निकाल दो और में तो लो करो तो लजी कफर अल्लाह कहता है कि काफिर जो था, जो था था नमरूद वो हैरान रह गया शशदर रह गया लाजवाब रह गया उसे कोई जवाब ना बन पड़ा कि इस दलील का मैं क्या जवाब था तो इब्राहिम दावत के मैदान में भी साबिर थे बादशाह के सामने भी मुनाजरा करना पड़ा तो मरूब नहीं हुए उसकी सल्तनत से उसके दरबार से उसकी चका से मरूब नहीं हुए बल्कि दलाइल के साथ अपने मौके को रखा और आगे बढ़िए इब्राहिम अलत हिजरत कर रहे हैं, अपने शहर अपने वतन को छोड़ करके मुल्के शाम जा रहे हैं, इराक छोड़ करके शाम जा रहे हैं। रास्ते में एक जालिम बादशाह के पास से गुजर हुआ वो जालिम बादशाह लोगों की बीवियों को किडनैप कर लेता था पता लगता था कोई मियाँ बीवी जा रहा है कोई जोड़ा जा रहा है कोई कपल जा रहा है तो बीवी को शौहर को कतल करा देता था बीवी को किडनेप कर लेता था हजरत इब्राहिम उस जालिम बादशाह के बारे में जब पता चला तो उन्होंने हजरत सारा से कहा कि बादशाह पूछे तुम कौन हो तो कह देना कि तुम मेरी बहन इसलिए कि आज रुए जमीन पर अल्लाह की तोहिद का कायल या तो मैं हूं या तुम हो हजरत इब्राहिम सलातम यानी अल्लाह के खलील है अल्लाह के पैगम्बर हैं लेकिन आपकी तोहिरद की दावत पर अभी कोई सिर्फ आपके भतीजे हजरत लूत लूतम ईमान लाए और कोई ईमान नहीं लाया ला है आपकी बीवी सारा ईमान लाई तो कहते हैं कि अपनी बीवी सारा से बादशाह के पास जाना तो कहना कि तुम मेरी बहन हो इससे एक नुकता ये मिला कि कभी ऐसा मौका आ जाए कि जान बचानी पड़ जाए तो वहाँ हिकमत के अतबार से ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे जान बच जाए झूठ भी ना बोलना पड़े हजरत सारा तो बहन है उनकी ईवानी रिश्ते के अतबार से तोहिद के रिश्ते के दुनियावी रिश्ते केवी है नेक बंदों की, और इस्मत की भी तो हिफाजत करता है सारा को उसने हाथ लगाने की कोशिश की हजरत सारा की करामत थी अल्लाह की वो नेक बंदी थी बादशाह का जिसम पत्थर की तरह जम गया उसके उसके हाथ कुछ खत्म हो गई हाथ ने हरकत दे हरकत करना बंद कर दिया अब वो बादशाह कहने लगा कि अल्लाह से दुआ कर दो मैं सही हो जाऊं मैं तुमको नहीं छेड़ूंगा हजरत सारा ने अल्लाह से दुआ की बादशाह ठीक हो गया फिर उसने हजरत सारा के साथ दस्त दराजी की कोशिश की तीन बार ऐसा हुआ तीसरी मरतबा जब उसने देखा कि मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता तो उसने कहा कि जाओ यहां से और जाते जाते अपनी एक खादिमा अपनी एक लौंडी हाजरा जिसका नाम था यह हाजर हदीसों में जिसको कहा गया कहा कि जाओ ये मैं बतौर तोहफा तुमको दे रहा हूँ बाद में वही हाजरा हजरत इब्राहिम के अक् में आई उनके निकाह में आई और उनसे सयदना इसमाइल जबी पैदा हुआ यहां मैं बताना जो बात चाहता हूँ कि हजरत सारा जब उस जालिम बादशाह के पास से निकल करके अपने शोहर के पास पहुंची तो हजरत इब्राहिम नमाज पढ़ रहे अपनी बीवी की इसमत इज्जत की हिफाजत के लिए बारगा इलाही में अल्लाह की बारगाह में लौ लगा रहे थे अल्लाह से दुआ कर रहे थे नमाज पढ़ रहे थे दूर से यजत सारा ने कहा रद्द रद्दू कई दल फाजर मेरे शौहरे नामदार अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह ने उस को फाजर के मकर फरेब को नाकाम कर दिया और हमें तोहफे के तौर पर हाजिर मिल गई हाजरा और आगे बढ़िए हाजरा के बतन से बुढ़ापे की उम्र में एक ऐसी उम्र में जब लोगों को औलाद नहीं होती सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आंगन में खुशियों का एक फूल खिला और इस्माइल की शक्ल में उनको पहली औलाद हजरत हाजरा के पेट से पैदा हुआ अब जब ये औलाद पैदा हुई ये लड़का पैदा हुआ तो इब्राहिम की जिंदगी का एक और इम्तिहान शुरू हुआ अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि इब्राहिम अपनी इस बीवी हाजरा को और अपने इस बच्चे इस्माइल को जाओ मुल्क शाम से सैकड़ों किलोमीटर की मसाफत तय करके हिजाज में पहुंचो वहां मक्का शहर में पहुंचो और वहां उस बेआब हो गया सरजमीन में जहां उस वक्त कोई आबादी नहीं थी कोई दरख्त नहीं था कहा कि वहां जाके छोड़ के चलता इब्राहिम खल साबिर रहे अल्लाह के इस हुक्म पर अल्लाह के इस फैसले पर कोई उनके इरादे में कोई तसल्स पैदा नहीं हुआ उनके पाव में कोई लफ्जिश नहीं पैदा हुई कि अल्लाह अगर औलाद को इस तरीके से दूर करना तो दिया क्यों अल्लाह के फैसले पर न चू है न चरा है ना अगर है ना मगर है बीवी और बच्चे को लिया सैकड़ों किलोमीटर की मसाफत तय करके मक्का पहुंचे ये मक्का आज का मक्का नहीं था आबादी नहीं थी वहां घर नहीं थे मकानात नहीं थे पानी नहीं था पहुंचे वहां पे बीवी और बच्चे को छोड़ दिया जब पलट के जाने लगे तो बीवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे एक अकेली औरत एक मासूम बच्चा यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं किसके सहारे छोड़ के जा रहे क्या ये अल्लाह का हुक्म अकबर वो बंदी भी अल्लाह की कैसी अल्लाह की नेक बंदी थी और अपने शोहर की सीरत को कैतना कैसा समझती थी वो समझती थी कि मेरा शोहर अल्लाह का पैगंबर है और इतना बड़ा फैसला उसने अपनी मर्जी से नहीं किया हो अपनी बीवी और बच्चे को मेरा शौहर अपनी मर्जी से तो मुश्किल में नहीं डाल सकता जरूर ये अल्लाह की तरफ से कोई इम्तहान पूछा कि क्या अल्लाह का हुक्म है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ अल्लाह का तो वो बीवी जवाब देती है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम

छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ आबाद कर रहा हूँ तेरे हुक्म से मेरे रब मुझे तोफीक दे के मेरी औलाद यहां चल करके नमाज कायम करे अल्लाह ये हजरत इब्राहिम का सब्र है ये अल्लाह के दीन और अल्लाह की इबादत से उनकी मोहब्बत है कि वहां पर अपनी औलाद को अपनी बीवी को छोड़ के जा रहे हैं वहां तो पर भी दुआ करें अल्लाह इनको तू नमाज की तोफीक और आगे बढ़िए अब हजरत इब्राहिम मुल्क शाम में रहते हैं और ये बीवी और बच्चा यहाँ मक्के में रहते हैं वाक्यात आपको मालूम है कि किस तरीके से वहाँ जमजम का इंतजाम हुआ पानी का इंतजाम हुआ फिर कबीले जुरहम के लोग वहाँ आबाद हुए फिर उन्हीं के दरमियान हज़रत इसमाइल पले बड़े जवान हुए और फिर हजरत इब्राहिम का वहाँ आना जाना था ही अब जब ये बच्चा जवान हो गया तो अब हज़रत इब्राहिम आलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान शुरू हुआ ये वो इम्तहान जिसकी बिना पर हम हजरत इस्माइल को जबीह अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला ने सूरह साफात के अंदर इस इम्तिहान का तस्करा किया है फरमाया कि फलममा बलग माहुस सय्य قال يا بني اني ارا في المنام اني ازبح فانظر ماذا ترى जब वो बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया जवान हो गया बाप का सहारा बनने के लायक हो गया तो एक दिन बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे जबह कर रहा फनजुर माजा तारा तू बता तेरी क्या राय इब्राहिम को अच्छी तरीके से पता है कि अल्लाह ने अगर ये चीज मुझे ख़ाब में दिखाई है तो ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का कैसा अजीब गरीब हुक्म है जवान बेटे को जबा करने का हुक्म है। एक बाप जिसको बुढ़ापे में औलाद मिली हो फिर वो औलाद जवान हुई हो और उस बाप से कहा जाए अपने बेटे को जबा कर दो यानी इंसानी अक्ल अगर हम इस्तेमाल करें तो इंसानी अक्ल जो है यहाँ पे जवाब दे जाती मगर इब्राहिम सलाम ने अल्लाह का फर्मा बरदार अपने आप को बनाया असलम तो रबीन उन्होंने कहा था कि मैंने अपने आप को ताबे कर दिया अल्लाह के आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू अल्लाह मैंने अपने आप को अल्लाह के आगे सबमिटेड कर दिया मैंने सरेंडर कर दिया अब अल्लाह का जो हुक्म है वही मेरी मर्जी है जो जिसमें अल्लाह की रजा है वही मेरी मर्जी इतना अजीम यानी इतनी इतनी अजीम और इतनी नाजुक इतने नाजुक मोड़ पर भी हजरत के का जज्बा देखिए उनका सब्र देखिये उनकी साबित बेटे से बड़े आराम से पूछ रहे हैं बेटा बता तेरी क्या राय है चाहते तो बेटे को जबा कर देते बेटे से पूछने की क्या जरूरत लेकिन देखना ये चाहते थे कि इस इम्तहान के लिए मेरा बेटा किस हद तक तैयार है? है तो मेरा बेटा ना इब्राहिम तो अल्लाह के हर इम्तिहान में खड़ा उतरने को तैयार है इब्राहिम के बेटे का क्या हाल है एक बाप अगर अपने बच्चों की तरबियत करे तो तरबियत का अंदाज सिखाया जा रहा है कि तरबियत को जांचता रहे परखता रहे कि मेरी तरबियत में कोई नक्स तो नहीं है कोई कमी तो नहीं है कोई खोट तो नहीं है अगर खोट है तो दूर करने की कोशिश की जाए बेटे का इम्तिहान ले रहे हैं बेटा बता तेरी क्या राय है बेटा इब्राहिम का बेटा जरूर है मगर हाजरा की गोद में पला है वो इकबाल का शेर है कहते हैं फैज़ान नजर था या कि मकतब की करामत थी सिखाए किसने इसमाइल को आदाब फर्जंदी इसमाइल किसी मदरसे में नहीं तालीम हासिल की है किसी जामिया में नहीं गए बाप से तो ज्यादातर दूर रहे माँ की गोद में माँ के मकतब में उन्होंने जो तालीम सीखी है उस तलीम का असर आज ज़ाहिर हो रहा है बाप से कहते हैं कि या अब जो हुक्म आपको मिला है आप पूरा कर डालिए आप इनशा मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे अल्लाह का अगर ये इम्तिहान है आपका बेटा पीछे हटने को तैयार नहीं अब्बा जान शौक से आप ये आजमाइश पूरी कीजिए बेटा आपके साथ सर सरकटा नुकसान फलमा असलमा वल जबीन दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए और बाप ने बेटे को पेशानी के बल या करवट के बल लेटा दोनों माना जबीन के किए जा सकते हैं बाप ने बेटे को लेटा दिया कायनात ने शायद ये मंजर कभी ना देखा हो कि एक बाप अपने बेटे को लेटा रहा है उसके गले पे छुरी चलाने के इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए कि अल्लाह का इम्तिहा मगर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को परेशानी में डालने के लिए नहीं आजमाता है उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए आजमाता है उनके गुनाहों को मिटाने के लिए आजमाता है उनकी नेकियों में इजाफे के लिए आजमाता है हमने पुकारा कि इब्राहिम तुमने अपने खाब को सच कर दिखाया हमें तो बस तुम्हारा इम्तिहान लेना था हमें ये देखना था कि तुम इस आजमाइश में खड़े उतरते हो गए अल्लाह तला ने इसमाइल को बचा लिया और बदले में वदीन हजरत इब्राहिम को एक अजीम जबिया आता फरमाया वो अजीम जबिया क्या था मुफसरीन की एक जमात कहती है कि अजीम जबिया से मुराद एक मेढ़ा था जो अल्लाह तरफ से जन्नत से लाया गया और हज़रत इब्राहिम की छुरी से वो मेढ़ा ज़बा हुआ और बाद मुफसरीन के मुताबिक से मुराद ये है कियामत तक मुसलमान अहल ईमान जो कुर्बानी करेंगे वो उसी जबीए की यादगार है वह उसी जबह की यादगार है इसलिए अल्लाह तुम उसको अजीम जबिया से ताब किया नाजरीन इब्राहिम आसलाम की जिंदगी में सब्र और सबित की खास तौर से ये जो मिसाल है ये बड़ी ही अनोखी मिसाल है इस मिसाल का कोई सानी नहीं है इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह बकरा में फरमाया कि वह इब्राहिम और अब कल याद करो जब अल्लाह ने अपने बंदे इब्राहिम को कई चीज़ों से आजमाया और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया तरमाया वही इब्राहिमी वफा और वो इब्राहिम के जो बड़ा वफादार था इब्राहिम अल्लाह ताला के वफादार बंदे अल्लाह तला की तरफ से जो भी आजमाइशें आई उन पर जमे रहने वाले और सब्र करने वाले बंदे थे सब्र का एक इम्तिहान उस वक्त भी होता है जब हम अल्लाह के दीन पर अमल कर रहे हों हम अल्लाह के, के, के की 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 इताअत कर रहे हो अल्लाह की फर्मा बर्दारी कर रहे हो तो शैतान शा, के गुमराह करने का एक रास्ता यह भी होता है कि शैतान हमें हमें खुद सताई में मुबला कर देता है हमें यह लगने लगता है कि हम बहुत अजीम हैं हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं ये भी बहुत बड़ा शैतान के फरेब होता है इब्राहिम इस फरेब नफ्स से भी बहुत दूर कुरान करीम के पहले पारे की आखिरी आयात आप देखें आखिर की आयात देखेंब्राहिमाद इसमाईल और याद करो जब मेरा बंदा इब्राहिम और उसका बेटा इसमाइल खाने काबा की बुनियादों को उठा रहे थे ये खाने काबा क्या है ये अल्लाह ताला की तौहद का पहला मरकज है ये अल्लाह की इबादत का पहला घर है रूए जमीन पर और इसकी तमीर कौन कर रहे हैं इब्राहिम और उनके बेटे इसमाही आज छोटे मोटे नेकी के काम हम लोग करते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इसके हम लोग क्या करते हैं कि हम धोखे में मुबतला हो जाते हैं कि हम वाकई में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शैतान इस तरीके से भी हमें हलक करता हैजरत इब्राहिम और इस्मा अल्लाह तला के घर की तमीर कर रहे हैं खान काबा बना रहे हैं होना तो ये चाहिए था कि अगर वो हमारी तरह कमजरफ होते तो उनकी जुबान पर अपनी तारीफ होती और अपने अपने गुण वारे होते मगर नहीं ये अल्लाह के पैगम्बर हैं इब्राहिम हैं दोनों की जुबान पर क्या कलमा है अल्लाह ताला ने उन कलम को नकल रना तकबल मना इनका परवरदिगार हमारे इस अमल को कबूल फरमा परवरदिगार तू हमारी दुआओं को सुनने वाला है हमारे दिलों के हाल को जानने वाला है हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा यानी नेकी कर रहे हैं नेकी की कबूलियत की फिक्र है नाजरीन ये सब्र अनिल मासिया की बड़ी बेहतरीन है है वो मौका है जब शैतान रियाकारी में मुबला करता है जब नफ्स इंसान का इंसान को गलत ट्रैक पर लेके जाता है इस मौके पर अपने नफ्स को गलत ट्रैक पर जाने से बचाना अपने नफ्स को खुद सताई से बचाना अपने नफ्स को गुरूर से बचाना और अमल करके भी डरते रहना कि पता नहीं अमल अल्लाह के बारगाह में कबूल होगा कि नहीं होगा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खादसा है ये उनकी सीरत का खादसा है मुअज्जज़ नाजरीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत में सब्र और साबित कदमी की ये चंद अहम मिसालें मैंने आपके सामने बयान की हैं इस उम्मीद के साथ कि हम उनकी सीरत को अपनी जिंदगियों में नाफज करने की कोशिश करेंगे आज फितनों का दौर है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस अपने सामने रखे आपने फरमायान फितन मैं फितनों को देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं तरह तरह के फितने आज हमारे सामने हैं शहावतों के फितने हैं शुभहात के फितने हैं दीन से दूरी के फितने हैं और दीन के अंदर गलत चीज़ों के फितने हैं इन फितनों के दौर में इब्राहिम की जिंदगी हमारे लिए इबरत है इब्राहिम की तोहद हमारे लिए नमूना है इब्राहिम का सब्र हमारे लिए नमूना है इब्राहिम ने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया कहा कि इन्ना मिन हम तुमसे बरी हैं बरात का इजहार बाप से भी उन्होंने वादा किया था मकफरत की दुआ का लेकिन अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि जब अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहिम को बता दिया गया कि मुशरक के लिए मकफरत की दुआ नहीं कर सकते तबर्र अमीन हो तो इब्राहिम ने बरात का इजहार कर इब्राहिम की जिंदगी में एक सबक यह भी मिलता है वला और बरा तोहीद के लिए दोस्ती तोहद की वजह से दोस्ती होगी और तोहीद से अगर कोई दूर है कोई शिर पर है तो उससे बरात का इजहार हो जो शरीयत के एक उसूल वला और बरा वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें मिलता है मोज नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को हम और आप कुरान करीम की रोशनी में पढ़ेंगे और सब्र और सबात के जो नमूने मैंने आपके सामने बयान किए हैं उनको अपनी जिंदगी में नाफिस करने की कोशिश करेंगे अल्लाह से दुआ करते हैं इस माह मुबारक में इस जिलिजा के मुबारक महीने में जो हरमत वाला महीना है और ख़ास तौर से इसका जो अशर्य पहला अशरा है जो शुरू हो चुका है आज से ये बड़ा ही बाबरकत अशर है बड़ी फजीलतें हैं इसकी इस अशरे में हम ज्यादा से ज्यादा खैर के काम करेंगे बुरे कामों से अपने आप को बचाएंगे दीन पर साबित कदम रहेंगे अल्लाह से दुआ है अरबालमीन हमें इसकी तोफ़ीता फ़रमाए अकुल्लामसलम व आखिर दावाना रबालमीन والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته